सब्सक्राइब करें टारगेट इज पॉसिबल चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल के माध्यम से मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल, आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों मैं यहां पे टारगेट करूंगा जितने भी जियो यूजर्स हैं उनको, क्योंकि यहां पे मैं कुछ ऐसी खास बातें बताने वाला हूं जियो सिम यूज करने वाले जितने भी यूज करता है उनके लिए। दोस्तों अगर आप भी जियो का सिम यूज करते हैं तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आज टारगेट करने वाला हूं केवल जियो के यूजर्स के ऊपर। दोस्तों यहां पे सबसे पहली समस्या क्या आती है, कॉल ड्रॉप, फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पे जियो का नेटवर्क बहुत ही वीक होता है या फिर नहीं होता है। उस समय अगर आपके जियो नंबर पे कोई फ़ोन करता है, अगर वे फ़ोन मिस हो जाता है उससे आप कैसे बचेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी फ़ोन आते हैं जियो नंबर पे वे आपके अदर नंबर पे फ़ोन आए, जैसे कि एयरटेल के सिम पे या फिर आइडिया के सिम पे या फिर वोडाफोन के या फिर अदर किसी भी टेलीकॉम कंपनी के सिम पे आपका फ़ोन आवे जिसका नेटवर्क उपलब्ध है, तो आप लोगों को तत्काल इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी। और इस कोड को आपको कैसे यूज करना है ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और इस जानकारी को आप जरूर जानेंगे। दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे आप लोग इस समस्या से निपटेंगे उस समय। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसे जान लेते हैं लोग। और दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से करूंगा गुजारिश कि जो भी नए यूजर्स इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक बेल का आइकन शो होगा, उस बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले समय में जितने भी लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने डायल बॉक्स को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या कोड डायल करने हैं। दोस्तों आप लोगों को डायल करना है *409*। आप जिस भी नंबर पर चाहते हैं अपने जियो का कॉल ट्रांसफ़र करना उस नंबर को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक यूनिनार का नंबर टाइप कर देता हूँ, 91 70 85 84 18। इस नंबर को आप लोग टाइप कर दीजिए और इस नंबर को टाइप करने के बाद आप लोग जियो सिम से डायल कर दीजिए। चलिए मान लो हम लोग यहाँ पे जियो से डायल कर देते हैं लोग। दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि यहाँ पे ये अगर आपका नंबर स्विच ऑफ है या फिर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है तो आप जो नंबर मैं यहाँ पे इंटर किया हूँ उस नंबर पे मेरे सारे फ़ोन कॉल्स आएंगे। दोस्तों अगर आपको भी ऐसी समस्या आती हो तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात मैं करूँगा, अगर आपको इस सर्विस को हटाना हो तो क्या करना है। दोस्तों सेम वही तरीका है। दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर डायल पैड में आइए और यहाँ पर टाइप कीजिए *1**410 टाइप करके जियो से डायल कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो सर्विस एक्टिव हुई थी वह बंद हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेस्ट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी के पीरियड में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके रिलेटिव और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।